नमस्कार दोस्तों, वेलकमपुर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो आपके लिए बनाते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से हर पल अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल सा डब्बा दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैक मनी के ऊपर। 8 तारीख से जो 1000 और 500 के नोट जो बंद हो चुके हैं वो अब डीमोनेटाइज हो चुके हैं, यानी कि वो लीगल टेंडर नहीं हैं। अब उनका यूज़ कहीं पे नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप और इत्यादि जो सरकारी जगह हैं वहाँ पर। तो अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो आप कुछ बातें जान लीजिए। जैसे कि ब्लैक मनी है आपके पास, तो अगर आप अकाउंट में जमा करते हैं या कितना जमा करें कितना नहीं जमा करें, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दुविधा है। तो आज हम बात करेंगे कि जो टैक्स है, अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स है स्लैब्स, वो देखते हैं वो किस प्रकार है। तो जो मेल इंडिविजुअल है उसके लिए जो टैक्स स्लैब है, उसे टोटल अगर इनकम उसकी अगर पर ईयर में 2.5 लाख रुपए होती है तो आप देख सकते हैं उसको टैक्स नहीं देना है। अगर उसकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर 1 रुपये भी ज़्यादा होती तो उस 1 रुपये पे उसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि अगर अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में अगर उसका है अमाउंट तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तीसरा स्लैब है वो क्या है, या अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसे 20% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 2.5 लाख रुपए तक तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा उसे, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसे 10% देना पड़ेगा, और 5 लाख से जो 10 लाख के बीच में उसे उसका 20% होगा। इसी प्रकार अगर उसकी इनकम 10 लाख के अगर ऊपर होती है तो उसे मैक्स टू मैक्स 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये रहा मेल इंडिविजुअल के लिए, अगर कोई आदमी है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए भी कुछ इसी प्रकार से सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है फीमेल के लिए भी। अगर 2.5 लाख रुपये तक तो है उन्हें भी टैक्स नहीं देना है, अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उन्हें 10% ही टैक्स देना है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपए तो 2.5 लाख तक पे तो आपको कोई टैक्स नहीं होगा, जो ऊपर से 50,000 रुपये है उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप निकाल लीजिए 50,000 का 10% कितना होता है, तो वो कुछ होगा 5,000 रुपये तक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टोटल इनकम अगर ग्रेटर देन 10 लाख है तो आपको उसी प्रकार से 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि जो सीनियर सिटीजन का है वो देख लेते हैं। हम जो सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल है उन्हें अगर 60 ईयर के ऊपर है तो उन्हें एक आईडी प्रूफ होगा, और आईडी प्रूफ के ऊपर उन्हें टोटल इनकम अगर 3 लाख रुपये है उनकी एनुअली इनकम, तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर उनकी इनकम अगर 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उन्हें 10% टैक्स पे करना है, और टोटल इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स पे करना है हमें, और 10 लाख के ऊपर है तो वही सेम 30% टैक्स भरना है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन है जो उनकी टैक्स की सीमा बढ़ी हुई है जो कि 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख रुपए पर उन्हें कोई टैक्स देना नहीं है। तो ये तो नियम है, अगर आप बैंक में जो लीगल टेंडर नहीं है 500 और 1000 के नोट अगर आप जमा कराते हैं तो आपको इस हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई कोई हैं जिनके बैंक अकाउंट में 10,000-20,000 के ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं है, या कि जनधन अकाउंट है उसमें 10 रुपये का ट्रांजैक्शन नहीं है, अचानक से अगर उसमें कोई
3 लाख 4 लाख 5 लाख या 10 लाख जो ब्लैक मनी रखे हुए हैं वो अचानक से डालते हैं तो क्या होगा उस समय पे? तो जैसा कि भारत सरकार ने बताया कि अगर आपके पास अवैध राशि है, यानी कि आप अगर ट्रांजेक्शन आपकी जो बैंक में है 10,000, 20,000, 50,000 से ज़्यादा नहीं है और आप अचानक 5 लाख या 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ में आ जाएंगे। वो तकलीफ़ क्या है, आपको उस चीज़ की सफाई देनी पड़ेगी कि आपके अकाउंट में अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया। अगर आप उस चीज़ को आप बता नहीं पाते हैं तो वो इनलीगल मनी यानी कि मिसलीडिंग मनी के अंदर आता है। तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जो मिसलीडिंग मनी है उस पर 200% टैक्स होता है। तो 200% टैक्स कितना होता है वो भी थोड़ा हम देखते हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको नॉर्मली 30% टैक्स देना होता है। अगर 30% टैक्स तो आपको पे करना ही होगा, उसके बाद आपको उस 30% का 200% टैक्स देना होगा, यानी कि आपको 60% टैक्स और देना होगा। तो 30% तो आपको पहले से टैक्स देना होगा और 60% बाद में जो फाइन है आपको वो पेनल्टी वो देना पड़ेगा। तो आपका टोटल टैक्स हो जाएगा 90%। उस पर आपको 90% टैक्स पे करना होगा, यानी कि हर 10 लाख के ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 10 लाख में से 1 लाख रुपए मिलेगा आपको और बाकी आपको फाइन के रूप में आपका ले लिया जाएगा। यानी कि आपको हर 100 रुपये में से 90 रुपये आप सरकार ले लेगी फाइन के रूप में। तो आपके पास ब्लैक मनी है तो वो आपके यूज़ में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये जो टैक्सेस हैं आपके लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये 200% टैक्स है और जो ये नॉर्मल टैक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आप बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितने परसेंट टैक्स मिलेंगे या तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।